चलो 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 सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग दुबाल है एंड मैं उत्तराखंड से एक मोटर ब्लॉगर हूँ एंड ऑलमोस्ट 2 साल से मेरा त्रिपुरा की राइड का प्लान था एंड फाइनली ऑलमोस्ट लाइक 2 साल बाद लाइक मैं त्रिपुरा पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैं त्रिपुरा की राइड का प्लान क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने अपना यूट्यूब करियर शुरू करा था ना, तो मेरा सबसे मोस्ट फैन बेस्ड कॉमेंट वॉज फ्रॉम आसाम एंड त्रिपुरा। आसाम आई ऑलरेडी कम्प्लीटेड लास्ट ईयर, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर कम्प्लीट कर लिया था, बट त्रिपुरा एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर शायद मैं आज से पहले नहीं पहुँच पाया था एंड इसी टाइम आई थॉट कि यू नो मैं त्रिपुरा पहुँचता हूँ एंड त्रिपुरा से जो मोहब्बत एंड यू नो जो प्यार मिल रहा है वो बहुत अमेजिंग है। मेरे को जस्ट अभी लाइक 10-12 घंटे ही मैं त्रिपुरा एंटर करे हुए, बट यहाँ के लोगों की मोहब्बत बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग हम लोग, बट लाइक बहुत अमेजिंग प्यार है। त्रिपुरा के लोग एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, बहुत व्हाट आई थिंक कि बहुत मच्योर हैं एंड बहुत एजुकेटेड हैं। व्हाट आई फील लाइक कि उन्हें एक बार बोल देते हैं ना कि रुकना है, या फिर क्योंकि हमारे ना हाईवे पे क्राउड सीन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट यू नो व्हाट आई फील लाइक कि त्रिपुरा जब हम लोग एंटर कर रहे थे ना, तो लोग 2:30-3 बजे तक बहुत मच्योरली रुके हुए थे। एक इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव भी था। हम लोग जब त्रिपुरा एंटर कर रहे थे तो यू नो एक ग्रुप मिल गया था हम लोगों को, दे वर इन्फ्लुएंस्ड अंडर सम अल्कोहल, तो यू नो वहाँ पर थोड़ा सा सीन नेगेटिव हो गया था। बस वही एक नेगेटिव इम्पैक्ट था एंटर करते हुए। बाकी जो लोकल लोग हैं त्रिपुरा के, जो मैनेजमेंट है इवन हमारे होटल का, जो लोग हमें मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा था। इनसे हम लोग कल रात मिले थे, इवन हमारा हाईवे पे ना कल फ्यूल भी खत्म हो गया था, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि भाई त्रिपुरा के लोग आर बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छे से मैनेज करा इन लोगों ने। इवन जो कम्युनिटी है त्रिपुरा की, जो राइडिंग कम्युनिटी है, दे आर वेरी गुड, बट ये लोग जो मैनेज कर रहे थे इन्हीं के कारण शायद हम लोग पहुंच पाए, बिकॉज हमारी सुपर बाइक्स हैं तो हर 100 किलोमीटर में फ्यूल खत्म हो जाते हैं, हाईवेज पे रात को फ्यूल अप नहीं मिलता है, बट इन लोगों के कारण शायद हम लोग आप लोगों के पास पहुंच पाए आज। कल एक्चुअली हम लोग जिस स्टेट में भी जाते हैं, हम लोग हमेशा एक मीटअप रखते हैं, जो फैन बेस वहाँ का है जो मिलना चाहते हैं, हम लोग उनके लिए एक छोटा छोटा मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं। सो कल त्रिपुरा में हमारा मीटअप होगा पहली बारी। कितने स्टेट आप लोग अभी पूरा? हम लोग वैसे ऑल ओवर इंडिया कवर कर चुके हैं, बट इस साइड में हम लोगों ने यूपी कवर करे, हम लोगों ने बिहार कवर करे, देन वी कवर्ड असम, देन हम लोगों ने वेस्ट बंगाल कवर करे एंड देन लास्ट में वी आर हियर एट त्रिपुरा। आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि मेक श्योर आप जितने भी बाइक त्रिपुरा के बाइकर्स के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए बाइकर्स के लिए मैसेज है कि आप जब भी बाहर निकल रहे हो ना, आप हेलमेट जरूर पहनना, ये मस्ट है भाई, क्योंकि लोगों को लगता है हम लोग 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मम्मी ने बोला दूध लेकर के आना, हम लोग सब्जी लेकर के आ रहे हैं, दूध लेकर के आ रहे हैं, उस 1 किलोमीटर पे ना आपको नहीं पता टचवुड कि आपके साथ क्या एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, वो आप रिकवर कर जाओगे, बट अगर आपकी मुंडी पे चोट आ गई, आपके सर पे चोट आ गई ना, तो आप जिंदगी भर कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप निकलो ना घर से बाहर, ये गांठ बांध लो कि जब भी आप घर से गेट से बाहर निकलो ना, तो मेक श्योर आप हेलमेट जरूर वेयर करें। मैं इस स्टेट के फैंस के लिए बस यू नो हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि जब मैंने अपना यूट्यूब करियर शुरू करा था ना, सबसे पहला फैन बेस और अब तक का सबसे मोस्ट कमेंटेड फैन बेस इज फ्रॉम त्रिपुरा इटसेल्फ। यहाँ का जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोग ना बहुत लॉयल है, और भी स्टेट्स के लोग बहुत लॉयल है, बट अब तक का मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबसे ज्यादा मोस्ट एवर कमेंटेड वॉज फ्रॉम त्रिपुरा की बाबू भैया, मेरा स्टेज नेम है बाबू भैया, कि आप एक बार ही त्रिपुरा आएंगे और आप त्रिपुरा के लोगों की मोहब्बत देखेंगे ना, तो आप लाइक आप बहुत खुश होंगे। मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है, मेरे पास गूज़बम्प्स है कि लोगों को अभी जस्ट लाइक 10 मिनट, हम लोगों ने लोकेशन भी नहीं दिया था होटल का, बट स्टिल लोग सुबह 10-10 बजे से खड़े हैं, तो शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू त्रिपुरा वासी फॉर दिस लव। आपकी बाइक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कितना माइलेज देता है, कितना दाम है, कितना है? और जो फैन, आपका जो फैन है जी, इसका राज क्या है, किस लिए? वट आई फील लाइक कि मैं पहले माइलेज के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरी बाइक्स एक्चुअली मेरे पास सारी सुपर बाइक्स हैं, बट उसमें से एक H2 है, इट्स अ सुपर चार्ज इंजन, बहुत
बहुत रेयर बाइक्स हैं इंडिया में, आई गेस 7 to 8 बाइक्स हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, एंड वी ओन वन ऑफ देम. सो एवरेज बहुत लो है, लाइक 6 to 7 का एवरेज है. अगर आप थोड़ा स्पीड करो हाईवे में तो वो कट डाउन होकर के 5 पर आ जाते हैं. एवरेज से ज़्यादा बड़े फील लाइक कि यू नो टायर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सुपर बाइक का बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है. तो बाइक्स का एवरेज बहुत 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 कम है, बट यू आर स्टिल मैनेजिंग दैट. अभी आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके फैंस का क्या राज है. मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे पापा खुद एक कॉलेज में पढ़ाते थे, एंड मैं वो लड़का हूँ जिसने, मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को जो इंटरव्यूज देख रहे हैं विश्वास नहीं होगा कि मैं एक स्कूल और एक कॉलेज में पढ़ाता था. मैंने ट्यूशंस पढ़ाई हैं 300-300 रुपये में. तो आई नो कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके यहाँ पर आया हूँ. अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ आज की डेट पे. यू नो आई अग्री कि थोड़ा बहुत फेम है, थोड़ा बहुत पैसा है, बट स्टिल वो जो लोगों से कनेक्ट करता है वो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोगों को एक मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल पता है. हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि हम एक नॉर्मल इंसान को इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं. वो हमें अपने माँ बापों के सैक्रिफाइस पता है कि यू नो एक माँ बाप कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं हम लोगों के लिए. सो हम सब लोग आई गेस हम सेम बैकग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट कनेक्ट करती है कि वो एक 1-to-1 कनेक्ट कर पाते हैं हम लोगों से. स्टेट में यूट्यूबर्स बहुत हैं जी, और भी बहुत लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगा भाई यूट्यूबर मत बनना, बिकॉज बहुत बहुत मुश्किल सफर है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ना बहुत इजीली आप सक्सेस अचीव कर लोगे, बट बहुत मुश्किल है, 1 in a million वाला केस है. देखो मेहनत सब लोग कर रहे हैं, मुझे पता है इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, आई नो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, बट मेहनत के साथ साथ ना वो कंटेंट लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है. एंड मैं अपने आप को मेरे तरह ना 1,000 लोग 10,000 लोग और मेहनत करें, 10,000 का आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा ना पैशन बन चुका है. अगर आप 10 साल पहले किसी को पूछते ना कि आप क्या बनना चाहते हो, तो लोगों को लगता था कि हम लोग डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनना चाहते हैं, बट आज की डेट में ना हर किसी दूसरे इंसान को एक यूट्यूबर बनना है. और आई फील लाइक कि यूट्यूब एक इनकंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, एक इनस्टेबल प्लेटफॉर्म है. आज आप चल रहे हो, अगले दिन आप नहीं चलोगे. आप जो सोच रहे हो ना कि यार एक आप अगर कोई ये सोचते ना कि बाबू भैया आज की डेट पे इतना सब कुछ कमा पा रहे हैं, तो उसके पीछे का ना स्ट्रगल और किस्मत एक वड़ा है. फील लाइक कि मोहब्बत केवल किस्मत वालों को मिलती है. तो वड़ा आई बिलीव इन कि YouTube से ज़्यादा ना आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना बीएड कंप्लीट करा है, एमए इकोनॉमिक्स एम कॉम. तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है पहले, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन मेरी जॉब चली गई थी. उसके बाद मैंने YouTube एज अ सेकेंडरी जॉब लिया था, एंड कहीं ना कहीं किस्मत के कारण मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच पाया, बिकॉज मेहनत हम हर कोई मेहनत कर रहे हैं. बट व्हाट आई बिलीव इन कि आप एक परफेक्ट जॉब के लिए यू नो अप्लाई करो, एक कंसिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, नो मैटर व्हाट, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब और नॉट. लोग प्राइवेट में भी बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, बट व्हाट आई बिलीव इन कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म, ऐसा मत सोच करके आना कि यू नो आप फ्यूचर में इतना पैसा कमा लोगे, आप अपनी फैमिली चला पाओगे. तो ये लोगों का भ्रम है कि यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ, यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बट वो मिलियन में से एक बंदा है जो एक फैमिली सस्टेनेबल पैसा या ग्रोथ कमा पा रहा है. सो मेक श्योर गाइज, घर वालों की सुनना. अगर घर वाले चाहते हैं ना कि भाई आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करी रहो. एक कहावत थी घर वालों की कि अगर आपने पढ़ाई करी हुई है, आप एजुकेटेड हो ना, तो कभी आप भूखे नहीं मर सकते. उस बात को याद रखना हमेशा. यूट्यूब आज है कल नहीं है, बिकॉज इट्स अ OTT प्लेटफॉर्म, राइट? आज चले ना चले, कल हो ना हो, बट आपकी जॉब और आपका एजुकेशन, आपकी पढ़ाई हमेशा आपके लिए सस्टेनेबल रहेगी. मतलब हम लाइक वी आर इन टू ब्रांच राइट नाउ, हम लोग लाइक टॉप लीड ब्रांच के साथ काम कर रहे हैं. सो लाइक हर वीडियो, लाइक 2/3 वीडियो हमारा प्रमोशन में रहता है. सो वो एक मेजर अर्निंग है, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग ऑन सुपर बाइक्स आपके पास एक बहुत बड़ा कॉस्टिंग होता है. प्लस हमारी टीम भी लाइक 8-10 जनों की टीम है. सो सेज एंड एवरीथिंग, मतलब एक राइड पे आपका अप्रॉक्सीमेटली 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाता है. अगर आप, हम लोगों को महीना होने वाला है ऑलमोस्ट निकले हुए, सो एक महीने के लिए ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए मैं शायद कम बता रहा हूँ, प्लस उसमें बाइक्स का भी खर्चा है. सो स्पॉन्सर्स एंड लाइक यू नो ब्रांड डील से वी मैनेज दैट. लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, टारगेट क्या है? व्हाट आई बिलीव है कि अभी यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने वो फैन बेस बना लिया कि हाँ लोग मुझे सपोर्ट करेंगे. मेरा बॉलीवुड का एक नेक्स्ट ड्रीम है, बॉलीवुड एंड OTT प्लेटफॉर्म्स का. सो मैं फ्यूचर में बॉलीवुड के लिए एंट्री सोच रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच.
है।